वेरी गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, मैं प्रीति शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। और आज हम डिस्कस करेंगे लाइब्रेरी साइंस का कोलन क्लासिफिकेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। और इसमें हमने पहले लेक्चर में इसके पार्ट वन से आपको फैमिलियर कराया था, और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू के बारे में। तो पहले हमने पार्ट वन में रूल्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, जो ये क्लासिफिकेशन का कोलन क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन हम पढ़ रहे हैं, जो कि SR रंगनाथन सर द्वारा डिवाइस किया गया था। तो इसका हम लोग अब इस लेक्चर में पार्ट टू को डिस्कस करेंगे कि पार्ट टू हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने पार्ट हमारे जो कोलन क्लासिफिकेशन बुक है 6th एडिशन, इसमें पार्ट 3 है, किताब है जो एक कोलन क्लासिफिकेशन की, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट है रूल्स, और दूसरा पार्ट है शेड्यूल, और तीसरा है आपका जो जो रेलिजियस बुक्स हैं उनका जिक्र किया गया है। तो हम पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। पार्ट 2 में बेसिकली हमने पार्ट 1 में रूल्स पढ़े थे, और पार्ट 2 में हम कैसे रूल्स को अप्लाई करते हैं तो वो बताते हैं। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि पार्ट 2 यहाँ पे शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, तो ये शेड्यूल है। और इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एडिशन दिए हैं, एडिशन फर्स्ट से लेके आपका ये 7th एडिशन, 6th एडिशन दिए हैं, बट इसके टोटल 7th एडिशन पब्लिश हो चुके हैं। चूंकि ये 6th एडिशन है, इसलिए यहाँ पे 6 के रिप्रिंट वर्जन भी दिए हैं, जो कि 3 रिप्रिंट वर्जन हुए थे इसके पहले 63 में, फिर 64 में, और देन 69 में। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका कॉल नंबर है इसका, कोलन क्लासिफिकेशन का जो कॉल नंबर है वो ये दिया हुआ है। ठीक है, और देन इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसके आगे के पेजेस में क्या क्या दिया हुआ है। तो हमने आपके पहले लेक्चर में ये बताया था कि बुक नंबर क्या होता है, बुक नंबर का जो फॉर्मूला है डॉक्टर SR रंगनाथन सर द्वारा दिया गया था, तो यही बुक नंबर फॉर्मूला को यहाँ पे डिफाइन किया गया है अल्फाबेटिकली। जैसे यहाँ पे L दिया हुआ है, ये आपका F दिया हुआ है। इसका जो अलग अलग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे L फॉर लैंग्वेज होता है, F फॉर फॉर्म नंबर होता है, Y फॉर ईयर होता है, A फॉर एचएस नंबर होता है, V फॉर वॉल्यूम नंबर होता है, S फॉर सप्लीमेंट नंबर होता है, C फॉर कॉपी नंबर, एंड CR फॉर क्रिटिज्म नंबर। तो ये मतलब बुक नंबर किस तरह से हम तैयार करते हैं, तो ये पूरा बुक नंबर फॉर्मूला है, और जिसमें हम 8 तरीकों से बुक नंबर फॉर्मूला द्वारा हम बुक नंबर देते हैं किसी किताब को, जो कि बुक नंबर एक तरह से हम कहते हैं कॉल नंबर का ही पार्ट है। कॉल नंबर 3 पार्ट में डिवाइड है, कलेक्शन नंबर, क्लास नंबर और बुक नंबर। तो बुक नंबर इसका सेकेंड पार्ट है कॉल नंबर का। तो ये आपका मैंने बताया कि बुक नंबर हम कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है, और ये SR रंगनाथन सर द्वारा दिया गया था। और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देंगे यहाँ पे मेन क्लासेस दी हैं, ये टोटल 42 मेन क्लासेस दी हुई हैं। ठीक है, तो आपको ये लर्न करनी पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स का है दिया हुआ है, रिलीजन का दिया है, फिलोसफी का दिया है, तो ये सारी जो 42 मेन क्लासेस हैं आपको लर्न कर लेनी चाहिए आई थिंक, और ये आपको लाइफ टाइम के लिए यूजफुल रहेंगी, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, और ये आपको आगे के चैप्टर्स में देखने को मिलेंगी। इसी के द्वारा आप लोग जो कॉल नंबर है वो नंबर बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये आ गया आपका कॉमन आइसोलेट। जैसे कि हमने पिछली बार बात की थी कॉमन आइसोलेट थोड़े से क्या होते हैं और इसे हम लोग किस प्रकार यूज करते हैं, तो कॉमन आइसोलेट जनरली 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे ACI होता है और PCI होता है। यहाँ पे PCI अगले पेज से पढ़ेंगे। तो ACI का मतलब होता है एंटीराइजिंग कॉमन आइसोलेट, और जनरली इसे हम लोग 3 प्रकार से यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फेसेट, यानी कि यहाँ इसको मतलब कि स्पेस के पहले यूज करते हैं, और साथ ही आफ्टर स्पेस यूज करते हैं, और बिफोर टाइम भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोग जब बिफोर स्पेस यूज करेंगे, समय के पहले यूज करेंगे, तो किस प्रकार से यूज करेंगे। समय भी यहाँ पर 2 प्रकार से दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें बिफोर स्पेस की, तो आप इसमें किस प्रकार के स्पेस यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बिफोर स्पेस में इस तरह की चीजें आएंगी तब हम लोग यूज करेंगे, जैसे बिबलियोग्राफी आ गए, कॉन्कॉर्डेंस हो गए, टेबल, तो इस केसेस में हम लोग इसका प्रयोग एज अ बिफोर स्पेस सर्चित करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यस, यहाँ पे एप्लीकेबल ओनली आफ्टर स्पेस। अगर हम बात करें कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आ गई से एडमिनिस्ट्रेशन या स्टैटिस्टिक, तो आप उस केस में ये जो आफ्टर स्पेस का यूज करेंगे, मतलब एंटरप्राइजिंग कॉमन आइसोलेट, अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आ गई तो आप एज आफ्टर स्पेस फैसिलिट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमने बात करेंगे कि यहाँ पर भी दिया हुआ है एंटरप्राइजिंग कॉमन आइसोलेट,
ये आफ्टर टाइम फेसिस के केसेस में आते हैं। सपोज इट कम इस तरह की जो चीजें आएगी, कॉमन रिपोर्ट, कमीशन रिपोर्ट, सर्वे प्लान आइडिया, तो आप इसका प्रयोग मतलब टाइम के बाद करेंगे, आफ्टर टाइम। ओके, मैंने इसमें पहले बताया था बिफोर टाइम, और ये हम लोग प्रयोग करेंगे आफ्टर टाइम के केस में। पोस्टाइजिंग कॉमन एसर की मैंने बात की थी यहाँ पे, तो पोस्टाइजिंग कॉमन एसर दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया एनर्जी कॉमन एसेट और पर्सनैलिटी कॉमन एसेट। तो पीसीआई होता है, ये कभी कभी पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में कि पीसीआई को हम लोग कितने प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार से यूज करते हैं। तो पीसीआई को हम लोग दो प्रकार से यूज करते हैं, एक एनर्जी कॉमन एसेट के प्रकार से और एक पर्सनैलिटी कॉमन एसेट के प्रकार से। तो जब हमारे प्रॉब्लम इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो हमें ये पहचानना होगा कि हाँ, ये पर्सनैलिटी को मतलब पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और हम लोग उसको पर्सनैलिटी की तरह प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, तो ये पीसीआई के पार्ट्स हैं, जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको ये और भी अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो इसमें ये है टाइम आइसोलेट। जैसे हमने बताया था कि भी टाइम भी कई प्रकार के होते, तो यहाँ पर भी टाइम ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया है कि हम लोग जैसे कि मतलब बढ़ते क्रम में कि किस आपका अगर बात करें बिफोर 999 बीसी के अगर टाइम आएगा तो हम लोग वहां पे ए का प्रयोग करेंगे, और अगर हम बात करें इस ईयर से लेके इस ईयर के बीच में अगर इस प्रकार का जो टाइम पीरियड आ गया तो हम उसको बी मतलब रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये अलग अलग टाइम पीरियड दिए हैं, टाइम जोन दिए हैं, और इसमें अगर हमारे पास कोई भी ईयर आता है तो हम उस ईयर से रिप्रेजेंट मतलब उस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज इट हमारे पास आया 2501 आया हमारे पास, 2500 हमारे पास सपोज 09 आया, तो ये हमारे किसके अंदर आ रहा है, ये हमारे 2509 हमारे इसके अंदर आ रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, ये हमारा जो ये आएगा उसको हम लोग यू रिप्रेजेंट करेंगे, यू करेंगे और 09 कर देंगे। ठीक है, आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका अगर सपोज आपका ईयर की बात करें 2509 ईयर आया, तो ये आपको ये 2500 ये इसके अंतर्गत आ रहा है, तो आपको यू यहाँ पे हमको लेना है और बाकी 09 एज इट इज लिख देना है। तो इस तरह से हम लोग ईयर को आइडेंटिफाई करेंगे कि ईयर के नंबर कैसे निकालेंगे। अगर सपोज दैट अगर हम बात करें 2022 की, अगर बात करें 2022 की, तो हमें बस ये पहचानना होता कि हमें ये बस थोड़ा याद करना पड़ेगा कि किस किस के अंदर आ रहे हैं, उनको बस इतना याद करना पड़ेगा और बाकी हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सपोज हमने बताया कि 2022 लिखना है तो ये किसके अंदर आ रहा है, पी के अंदर आ रहा है, तो पी और बस हमें जो लास्ट के टू लेटर्स होते हैं, टू डिजिट होते हैं, उनको लेना होता है। ये P22 ये हमारा ईयर बन गया, बस इसी तरह से हमें करना होगा। और टाइम भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर सपोज इस तरह के हमारे टाइम्स आते हैं, कोई विंटर सेशन आ गया या स्नो आ गया या वेट या ड्राई इस तरह का सीजन आ गया, तो हम इस प्रकार के टाइम का प्रयोग न करके हम लोग इस तरह से टाइम देंगे। P8 हो गया, P5 स्नो के लिए आया है, P5 वेट के लिए आया है, तो इस प्रकार से भी हम लोग टाइम दो प्रकार से देते हैं। यहाँ पे टाइम एस्टिमेट आपको इस तरह से देते हैं, और फ्यूचर टाइम के लिए ये है और क्रोनोलॉजिकल डिवाइजन के लिए ये दिए हुए। ठीक है, तो आपको टाइम किस तरह से निकालेंगे हम, ये आपने हम समझा यहाँ पे। और नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे आइसोलेट, स्पेस आइसोलेट की। तो यहाँ पर जैसे कि हमने जब हम लोग मतलब PMEST निकालते हैं, यानी कि हमारा जो फेसिट फॉर्मूला होता है कोलन क्लासिफिकेशन में किसी क्लास नंबर को निकालने के लिए, तो स्पेस भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो स्पेस हम लोग कहाँ से निकाले, तो स्पेस आइसोलेट के लिए टेबल दी हुई है कि इसमें आपको अलग अलग टाइम जोन दिए हुए हैं, अलग अलग मतलब आपके जो कॉन्टिनेंट के नाम दिए हैं, अलग अलग देशों के नाम दिए हुए हैं, तो ये आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड के लिए अलग दिया हुआ है, एशिया के जो कॉन्टिनेंट हैं, जापान का अलग है, थाईलैंड का अलग है, तो यहाँ से आप जाके आप टाइम आइसोलेट में टाइम को ढूंढ सकते हैं कि सॉरी स्पेस आइसोलेट में आप स्पेस को ढूंढ सकते हैं कि कहाँ से हम कौन से किस किस देश को कहाँ से लेंगे। जैसे थाईलैंड का नंबर यहाँ पर है, वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड को हम लोग एक लेते हैं, और वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि अगर हम बात करें वर्ल्ड के अंदर कि ब्रिटिश एम्पायर का नंबर क्या है, तो ये वर्ल्ड के अंदर ब्रिटिश एम्पायर की बात है क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर संसार के अंदर की बात हो रही है, तो यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर आएगा 1-56। तो ये पूरे बकायदा स्पेस आइसोलेट दिए हुए हैं, और यहाँ से हम स्पेस आइसोलेट को यानी कि हमने जो जगह का स्थान का नाम होता है उसको यहाँ से लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इंडेक्स भी देखते हैं कि ये अलग अलग देशों के दिए हुए हैं। इंडिया का यहाँ पे 44 नंबर आता है, तो कुछ नंबर हमें ऐसे बाय हार्ट याद होने चाहिए क्योंकि ये नंबर एज इट इज आपके नेट के पेपर में पूछे जाते हैं, और जब आपका वाइवा वगैरह होता है तो ये नंबर आपको करते करते भी याद हो जाते हैं, लेकिन कुछ नंबर आपको मतलब याद होने चाहिए थोड़े से, जैसे कि 44 आपका इंडिया हो गया, वर्ल्ड का होता है 1, तो इस तरह
तरह के नंबर थोड़े से आपको मतलब याद होने चाहिए, आप देख लीजिएगा इसे, ठीक है। तो इस तरह के आपके ये स्पेस आइसोलेट आप यहाँ पे मतलब यूज करते हैं। ये आपको मतलब जगह के नाम मतलब स्टेट के नाम देख रहे हैं, पंजाब, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा ये भी पता होगा कि किस स्टेट के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट या कौन सिटी आती है, तो उसे आपको और आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टेट वाइज भी स्टेट में कौन कौन से जिले आ रहे हैं, जैसे यूपी है तो यूपी में सारे जिलों को इन्होंने कैटेगराइज किया है स्पेस आइसोलेट के द्वारा। तो ये सारे स्पेस आइसोलेट के एग्जाम्पल हैं और ये स्पेस आइसोलेट ही चल रहा है, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे, इसमें यूनाइटेड स्टेट चल रहा है। तो मतलब ये पूरे संसार के जितने भी जगह हैं सबके सबके यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, जोग्राफिकल ये डिवीजन दिए हुए हैं। और हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं, तो सपोज इट आपको वहां से नहीं मिल रहा है या फिर आपको नहीं पता कि ये स्टेट या सिटी किस स्टेट के अंदर है या अंदर आ रही है या किस देश के अंदर आ रही है, तो आप इंडेक्स में जाके डायरेक्टली अल्फाबेटिकली भी ढूंढ सकते हैं। कि अगर बात करें कि हमें मतलब अफगानिस्तान का नंबर ढूंढना है तो हम अल्फाबेटिकली जाएंगे तो ढूंढ लेंगे। अगर हम बरेली या बड़ौदा का नंबर देखना है तो हम अल्फाबेटिकली जाएंगे तो यहाँ पे बड़ौदा का नंबर मिल गया। तो यहाँ से ज्योग्राफिकल इंडेक्स से भी आप उसको स्पेस को ढूंढ सकते हैं। अगर आप यहाँ से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही स्पेस आइसोलेट से ढूंढने में, तो यहाँ से भी इंडेक्स के माध्यम से अल्फाबेटिकली तरीके से भी आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडेक्स दी हुई है और इंडेक्स मोस्टली सभी जो स्पेस आइसोलेट टाइम आइसोलेट की बात इंडेक्स दी हुई है और ये इंडेक्स ही चल रही है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स चल रही है। और आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि फेज पोल्यूशन के बारे में है और हम उसी पे चल रहे हैं अभी, जो कि हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये एक तरह से हम कहेंगे जब आप सिंपल प्रॉब्लम्स को करने में परफेक्ट हो जाते हो तब हम इसको करते हैं। अगर हम बात करें, अगर हम इंट्राफेसिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने बताया था कि इंट्राफेसिक में क्या होता है, मेन क्लास हमारी सेम होती है लेकिन उसका जो फेसिक होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ बात की डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक एंड एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि हमारा जो ये मेन क्लास इसमें है, मेन क्लास से क्या है लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी की जो लाइब्रेरी तो हमारी मेन क्लास है जो कि सेम है दोनों के लिए। और इसमें क्या रोल होता है कि हमारी जो मेन क्लास होती है सेम होती है और फेसिट अलग अलग होती है, ठीक है। तो फेसिट क्या है इसके, एकेडमिक एंड एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, और इसमें मेन क्लास हमारी लाइब्रेरी जो कि मेन क्लास है वो सेम है, ठीक है। और सेम क्लास है और फेसिट इसके जो एकेडमिक लाइब्रेरी है और ये एग्रीकल्चर लाइब्रेरी है, यानी कि मेन क्लास लाइब्रेरी है जो कि सेम है और इसकी जो फेसिट है वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था जो कि हमने बताया कि इंट्रा फेसिट का एग्जाम्पल था, जिसमें कि हम आप जब कोई प्रॉब्लम बनाते हैं तो उसमें मेन क्लास सेम होती है और मेन क्लास की दो सब कैटेगरीज होती हैं, या हम इसे कहते हैं जो फेसिट में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसे एक तरह से बता सकते हैं कि सब कैटेगरीज होती है जो कि मेन क्लास की सब पार्ट होती है। तो ये हमारा एक प्रकार से इंट्रा फेसिट का एग्जाम्पल था। और अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, दूसरे सॉरी थर्ड पार्ट की, इंट्रा एरे की, तो इंट्रा एरे में क्या होता है कि हमारी मेन क्लास भी सेम होती है, फेसिट भी सेम होता है, बस उसके एरे होते हैं वो हमारे अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कंपैरिजन बिटवीन द सर्विसेज ऑफ मेडिकल एंड एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये आपका जो ये इंट्रा एरे का एग्जांपल था कि इसमें आप देख रहे होंगे कि जो हमारी जो मेन क्लास है ये लाइब्रेरी है, ठीक है। मेन क्लास यहाँ पे आपकी जो है मेन क्लास है वो लाइब्रेरी है, ठीक है। तो ये मेन क्लास भी सेम है। और बात करें अगर हम फेसिक की, फेसिक यानी कि जो इसकी सब कैटेगरी है मेडिकल और एग्रीकल्चर दोनों सेम फेसिक में आ रहे हैं, यानी कि दोनों स्पेशल लाइब्रेरी के अंदर आ रहे हैं, तो ये हमारे फेसिक भी सेम है, ठीक है। और सॉरी हाँ फेसिक भी सेम है। और फिर हम बात करें सर्विसेज की, तो हमारी सर्विसेज है ये अलग है तरह से, तो ये हमारा जो ये आ रहा है इंट्रा एरे में, यानी किस प्रकार की सर्विस वो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो ये इंट्रा एरे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है
मतलब जो हमारा जो रिलेशन है वो किसके अंतर्गत आता है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि फेज में क्या होता है कि हमारी जो सब्जेक्ट होती है, मेन क्लासेस होती है, वो अलग अलग होती है। मैंने बताया था पहले कि डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, तो इसमें दोनों मेन क्लासेस अलग अलग थी। इसी प्रकार जब मैंने बताया था इंट्रा फेसेट के बारे में कि मेन क्लास सेम थी लेकिन हमारे जो फेसेट थे वो अलग अलग थे, और हमने लास्ट में बताया कि जो हमारी मेन क्लास भी सेम है, हमारा जो फेसिक भी सेम है, लेकिन हमारी जो उसकी मतलब उसकी जो सब कैटेगरीज हैं वो एरे होते हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे ये हमने बताया कि मेन क्लास हमारी लाइब्रेरी वो सेम है। फिर इसकी बात करें कि हमारे जो इसके बाद मेन क्लास के बाद मेडिकल और एग्रीकल्चर, ये किस फेसिट के अंदर आ रहे हैं, ये स्पेशल लाइब्रेरी के अंदर आ रहे हैं। स्पेशल लाइब्रेरी जो है वो हमारा फेसिट हो गया, वो भी सेम है। इसके बाद स्पेशल लाइब्रेरी के अंदर भी दो पार्ट है, मेडिकल और एग्रीकल्चर, तो ये एरे है जो कि अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा इंट्रा एरे का आता है। आपको अभी समझ में आ गया होगा कि हमारा मतलब, फिर से एक बार मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दोबारा रिपीट करती हूँ बहुत मोटे तरीके से कि फेज में क्या होती है, मेन क्लास हमारी अलग अलग होती है और बाकी इंट्रा में होता है मेन क्लास सेम होती है और उसके दो सब कैटेगरीज होते हैं। और इंट्रा एरे में क्या होती है, मेन क्लास भी सेम होती है, सब क्लास भी सेम होती है, बस उसमें एरे अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रा मतलब एरे रिलेशन था जो कि 15 तरह के रिलेशन, 5 तरह के रिलेशन में डिवाइड है और उसके 3 स्तर हैं और टोटल में से 15 फॉर्म में याद करते हैं। ठीक है, जो कि बहुत एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया और मुझे लगता नहीं कि अब इसे हमें नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये फेज रिलेशन था जो कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा आयो, और ये सारी चीजें दी हुई हैं आपको। ये आपका मतलब जनरल या जिसमें जनरल क्लासेस दी होती हैं और यहाँ से हम लोग क्लासेस बनाना स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज। जनरलिया दी हुई जो कि नॉर्मल क्लासेस दी हुई है, और फिर हमारा ये मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस का आ गया जिसका नंबर 2 होता है। ये कभी भी प्रूफ किया जाता है कि लाइब्रेरी साइंस का नंबर क्या होता है, तो लाइब्रेरी साइंस का नंबर 2 होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है जिससे कि एक प्रॉब्लम हमारे जो प्रैक्टिकल पेपर होता है उसमें आती ही आती है, 1 से 2 प्रॉब्लम आती है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ सारे आप देखेंगे मैथमेटिक्स का क्लास आ रहा है, तो जो 42 मेन क्लास मैंने आपको पढ़ताई थी स्टार्टिंग में, तो सारी 42 मेन क्लासेस को हम लोग कैसे बनाते हैं वो सारी आपको चैप्टर वाइज 1 by 1 दिखाई देगी। ठीक है, ये तो मैं इसे डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि आने वाले समय में आपसे मतलब 1 by 1 करेंगे कि हर क्लास नंबर का आप एक नंबर या कुछ प्रॉब्लम्स हम आपको बनवाएंगे। तो ये से आपको इंजीनियरिंग की मेन क्लास दिख रही होगी, और सबके फेसिट फार्मूला के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो कि हम लोगों ने जब रूल पार्ट पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग रूल्स पढ़ते हैं, देन हम लोग यहाँ से मेन क्लास के थ्रू उसके क्लास नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज टेक्नोलॉजी की दी हुई, बायोलॉजी की दी हुई है, लेकिन हम यहाँ पे जनरली सारे क्लासेस को नहीं पढ़ते। कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिटरेचर हो गई आपकी, लॉ हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, मेडिसिन हो गई, और तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से, और बाकी हम सबकी प्रॉब्लम्स करते हैं लेकिन डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, और अभी हम इसमें थोड़ा सा, ये लिटरेचर आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और जियोलॉजी है ये, और हम से अब लास्ट में जाते हैं जिसमें आपको दिखाएंगे हम कि जो पार्ट 3 था उसको हम लोग किस तरह से उसका यूज करते हैं। ये जियोलॉजी आ गया, थोड़ा स्क्रॉल करने में टाइम ले रहा है, और इसमें हम लोग ऐसा करेंगे कि एक एक चैप्टर की मतलब एक चैप्टर का जो हमारा मेन क्लास है उसकी एक प्रॉब्लम्स या दो दो प्रॉब्लम्स हम इसको करके आपको दिखाएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि क्लास नंबर हम लोग कैसे बनाते हैं कोलन क्लासिफिकेशन में। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग उसको लेके चलेंगे कि आपको चैप्टर वाइज हम 4 से 5 प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर चैप्टर से करवाएंगे ताकि आपको कैसे हम कोलन क्लासिफिकेशन का प्रयोग करें वो आपको समझ में आ जाए कि हमने रूल्स पढ़ा दिए, अब उसका शेड्यूल भी पढ़ा दिया, अब हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ताकि वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल होने में टाइम लग रहा है, मिनट, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम इसकी ही सीरीज बनाएंगे ताकि आपको क्लासिफिकेशन जो इसके कोलन क्लासिफिकेशन के थ्रू निकालते हैं क्लास नंबर उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो ये आई थिंक चलने लगा है, ये आपका पार्ट 3 स्टार्ट हो गया है, मैं थोड़ा आगे चली गई हूँ। यस यस, थोड़ा सा आगे हो गया, ये पार्ट 3, सॉरी लास्ट क्लास जो आपकी जेड है,
इसके बाद ही आपका पार्ट थ्री स्टार्ट हो रहा है। पार्ट थ्री से वैसे प्रॉब्लम्स कभी नहीं आती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह से उसका प्रयोग करते हैं और वो क्यों दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हाउ टू यूज इंडेक्स दिया हुआ है कि हम लोग इंडेक्स का प्रयोग कैसे करते हैं, और एक इसमें पीछे के पार्ट्स में ये भी दिया हुआ है कि आपको जैसे आपका डीडीसी में थर्ड पार्ट दिया हुआ था ना, उस तरह से इसमें भी थर्ड पार्ट दिया हुआ है। डीडीसी का जो थर्ड पार्ट है रिलेटिव इंडेक्स, उसको एज अ की हम प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से कोलन क्लासिफिकेशन में बैक पार्ट में की दी हुई है कि हमें सपोज कोई नंबर बनाना है, कोई प्रॉब्लम बतानी है, और हम स्टार्टिंग फेज में हमें पता नहीं कि मेन क्लास कैसे आइडेंटिफाई करें, तो हम यहाँ से जाएंगे तो अभी हमें उसको मेन क्लास किस में मतलब वो जाएगी, किस मेन क्लास के अंदर वो आएगी, उससे हम पता कर सकते हैं। तो हम ये इंडेक्स दी हुई है कोलन क्लासिफिकेशन की, तो अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसके थ्रू भी उसको कर सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडेक्स दी हुई है कोलन क्लासिफिकेशन की। इसके बाद फिर आपको आपको जो पार्ट थर्ड के बारे में बता रही थी वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। और जो इंडेक्स है जिसको हम की बोलते हैं, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, जिससे कि आपको आसानी से ढूंढ सकते हो कोई भी प्रॉब्लम। और जब आप लर्निंग फेज पे होगे तो इसकी हेल्प से आप क्लास नंबर निकालने में आपको आसानी होगी, ठीक है। लेकिन मैं मतलब आपसे कहूंगी कि आप इसका प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है, लेकिन हाँ कभी आप कहीं अटक जाए तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक सेकेंड, अभी ये हमारा स्टार्ट। तो पार्ट थ्री थ्री में बने बनाए नंबर होते हैं, रेडीमेड नंबर होते हैं, जो हमारे शास्त्र थे, जो हमारे धर्मशास्त्र या जो हमारे मतलब जो हमारे आयुर्वेदा से रिलेटेड शास्त्र थे, उन सबके रेडीमेड नंबर दिए हुए, मतलब आपको बनाने की जरूरत नहीं। जैसे चरक संहिता हो गई, महाभारत हो गया, हमारा ऋग्वेद हो गया, इन सबके बने बनाए नंबर दिए हैं। वो तो बस आपको जाना है और वहां से नंबर लेना है और उसे पुट कर देना अपने प्रॉब्लम में बस, और आपको कुछ नहीं करना है। तो उसे वैसे प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन चूंकि हमारी ये बुक का पार्ट है तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट थ्री शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, शेड्यूल ऑफ क्लासेस एंड सेपरेट बुक है। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, मतलब रेयरली पूछा नहीं जाता है कि हाँ आपके नेट पेपर में कभी कभी पूछा गया है कि पार्ट थ्री का नाम क्या है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि शेड्यूल ऑफ क्लासेस एंड सेपरेट बुक्स विथ स्पेशल नेम्स। तो ये पार्ट थ्री का नाम है और मतलब इसका नाम है, और आप इसको आगे देखेंगे किस तरह से मतलब प्रयोग करते हैं। इस इंडेपिटू महामहोपाध्याय प्रोफेसर एस कपूर स्वामी शास्त्री, और तो इन्होंने की मदद से ये शेड्यूल को फॉर्म किया गया था, और बाकी डिटेल्स सेम दी हुई है जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में दी थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चरक संहिता का नंबर बना हुआ है, एज ए रेडीमेड नंबर बना हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस नंबर को उठाना, एज इट इज पुट कर देना अपनी सॉल्यूशन प्रॉब्लम में, तो बस आपका नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब पार्ट थ्री था इसका, और इसमें आपको देख रहे हैं कि जो बने बनाए रेडीमेड नंबर है वो दिए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, सारे नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके पार्ट थ्री के बारे में था। तो ये हमने आज डिस्कस किया कि हमारा जो कोलन क्लासिफिकेशन है वो हम लोग कैसे पढ़ेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। तो हमने एक तरह से ओवरव्यू दे दिया कि हम बुक को स्टार्ट कैसे करेंगे। पहला पार्ट जो कि रूल्स था, जिसमें हमने रूल्स को पढ़ा था कि रूल्स कैसे हम लोग मतलब किसी प्रॉब्लम को करने से पहले रूल्स को पढ़ते हैं, तो रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद शेड्यूल में उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। और तीसरा पार्ट था जो हमारा सेकेंड बुक का, कि हम लोग रेडीमेड नंबर कहाँ से लेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया था कोलन क्लासिफिकेशन की बुक के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसका हम सिक्स सेशन पढ़ रहे हैं, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रॉब्लम्स को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स हम लेके चलेंगे लाइब्रेरी साइंस की प्रॉब्लम, तो उसमें हम 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे, 4 से 5 प्रॉब्लम्स को बनाएंगे, ताकि आपकी लाइब्रेरी साइंस के जो क्लास नंबर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आपको हर तरह से हर केस को लेके चलेंगे, ताकि आप लाइब्रेरी साइंस की जो क्लास नंबर है उससे फेमिलियर हो सकें। तो तब तक लिए बहुत